हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 1.4। किसकी अध्ययन करने वाले हैं? प्रश्नावली 1.4, वो भी पूरा एक क्वेश्चन नंबर एक से लेके अंत तक जितने क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 में दिए गए होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज जानेंगे और सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, एक बार चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी प्रश्नावली है? इससे पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए थे और उम्मीद करते होंगे कि आपको पिछली वाली प्रश्नावली जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कतें होती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए अब आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 क्या है, एक्सरसाइज, या तो आप ऐसे लिख लीजिएगा प्रश्नावली 1.4। ध्यान से प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे शेयर कर देना चाहते हैं कि वो बातें अगर आप सुन लेते हैं, वो बातें अगर आप जान लेते हो डियर स्टूडेंट, तो आपकी जो आगे वाली जो टॉपिक हैं, जो आपको ये अध्याय लगाना है, वो एकदम सरल हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। तो आइए वो बातें क्या हैं जो हम जानते हैं आप नहीं जानते, उनको हम बताते हैं। वो बातें क्या हैं आप जानते हैं? वो बातें ये हैं, ध्यान समझिएगा। ऐसे जैसे आपने पढ़ा है परिमेय संख्या जो पी बटे क्यू के रूप की होती है। अब यहाँ दो चीज़ें पढ़ना है, एक तो दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार आइए हम आपको समझाते हैं पहले एक रफली ऐसे। दशमलव प्रसार क्या होता है? जैसे आपने 2 से 7 में भाग दिया, 2 से 7 में भाग दिए, फिर उसके बाद क्या दिए, 3 से जो है 10 में भाग दे दिए, 3 से 10 में। चलिए तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6। 7 में से 6 घटा दिए, 1 आ गए। 7 में से 6 घटा दिए, 1 आ गया। दशमलव लगाए, 0 उतारे, 2 5 10 कट गए, कैंसिल हो गए। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि दशमलव के बाद इसका एक अंक तक आपने प्रसार किया है, दशमलव के एक अंक तक आपने प्रसार किया है। आगे ध्यान से, अब इसको हम लोग भाग दें तो 3 3 का 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 3 का 9, फिर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 3 3 का 9, फिर माइनस करेंगे 1, फिर 3 3 का 9। यानी आप समझ गए होंगे कि ऐसे ये 3 3 आता चला जाएगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अब आप समझिए दोनों भाग में क्या अंतर है। ये देखिए, इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। और इसका जो दशमलव प्रसार कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, आप क्या जानते हो। देखिए, इसका दशमलव प्रसार यानी ऐसी दशमलव प्रसार, ऐसी दशमलव प्रसार जो कि एक निश्चित अंक के बाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो दशमलव प्रसार क्या कहलाते हैं? शांत कहलाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब दशमलव के बाद आने वाली संख्या निश्चित हो तो वो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत होता है। देखिए दशमलव के बाद केवल 1 आया है, पर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने 3 आए हैं? कोई निश्चित है, कोई निश्चित है? नहीं है। तो इनके दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। प्यारे बच्चों एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार जिनका जो मान होता है निश्चित होता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं, और ऐसे दशमलव प्रसार जिनके मान निश्चित नहीं होते वो हमारे क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। बातें इतनी समझ में आई? आइए एक ट्रिक जान लेते हैं, वो ट्रिक क्या है उसको हम लोग समझते हैं। यदि ऐसे को समझिएगा, यदि कोई परिमेय संख्या
यदि, यहाँ लिखते हैं, यदि कोई परिमेय संख्या P बटे Q हो तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m × 5 घाते n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये बातें आप जरा सा गौर से समझिएगा, क्या बातें हैं ये, क्या बता रहे हैं? यदि कोई परिमेय संख्या P/Q का रूप का हो, जैसे कि 5/10 हो, 2/3 हो, 4/5 हो, 1/2 है, ऐसे, ये क्या है? P/Q के रूप के हैं। ये सब क्या संख्याएं हैं? P/Q के रूप की हैं। अब कह रहा है तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m तथा 5 घाते n के रूप का हो। तो अभाज्य गुणनखंड, Q कौन है? 10 है, 3 है, 5 है, 2 है। तो देखिए यहाँ जो 10 है, अगर ये इसमें इस 10 का जो गुणनखंड है, आप देखिए यहाँ 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आएगा। तो 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का हो तो 2 × 5 आया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यही ट्रिक है बबुआ कि ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब बता, इसके गुणनखंड में तो 3 आया है, न तो 2 आया, न तो 5 आया, न तो 2 आया, न तो 5 आया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखो इसके इसमें क्या आया है, यहाँ देखिए यहाँ क्या आया, 5 आया है, तो 5 आए या 2 आए, चाहे दोनों साथ में आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। यहाँ पर देखिए 2 आया है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो प्यारे बच्चों, यानी जिसका हर जो होगा, जिसका हर अगर 2 × 5 या 2 घाते m या 5 घाते n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये ट्रिक आपको जरूर इस चैप्टर में सवाल आसान कर देने वाली है, और नहीं तो ये भाग विधि हम लोग अपना के पता कर लेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करते हैं, ये आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक? चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर प्रश्नावली 1.4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4 क्या कहता है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी आपको यहाँ भाग नहीं देना है, फिर बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो आइए उन पहले सवालों को हम लोग लिख लेते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट? 13/3125 क्या दिया गया है? 13/3125 पहला सवाल, पहले का पहला नंबर क्या है? 13/3125 कितना है? 3125। तो ध्यान से समझिएगा, अब इसका दशमलव प्रसार बताना है। फिर दूसरा है, दूसरा क्या है? 17/8 है, 17/8 है। फिर तीसरा क्या है भैया? तीसरा है आपका 64/455 कितना है? 64/455 है। फिर चौथा क्या है? 15/1600। चलिए पहले इतने को हम लोग समझते हैं, फिर आगे की तरफ हल करेंगे। अब देखिए ये P/Q के रूप के हैं, यहाँ P बराबर कितना है? 13 है, और Q बराबर कितना? 3125। तो पता करेंगे कि आप हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 या 5 आता है, या 2 और 5 के सिवा कुछ और आता है। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले लास्ट में, अब इसे हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 1 = 3, फिर कितने बचे? 3 × 4 = 12, ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 × 6 = 30, 1 बचा, 5 × 2 = 10, 5 बचे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 1,
बचा पाँच दूनी दस, पाँच बचे पच्चीस, फिर पाँच से डिवाइड पच्चीस, फिर पाँच से पाँच, फिर पाँच से एक। तो आप देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, इकतीस सौ पच्चीस, इकतीस सौ पच्चीस के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर कितना है, पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच, तीन दो पाँच। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, पाँच घाते पाँच। तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच घाते पाँच हो गए। तो हमने पढ़ा था कि जिसका अभाज्य गुणनखंड पाँच घाते यन या दो घाते यम के रूप का हो, तो देखिए इसको हम लोग इस रूप से लिख सकते हैं, दो घाते जीरो, जिसका मतलब एक होता है, जिसका मान क्या होता है, एक होता है, गुणे पाँच घाते पाँच। तो दो घाते यम तथा पाँच घाते यन के रूप का है, अतः लिख देंगे चूँकि, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो घाते यम तथा दो घाते यम इंटू पाँच घाते यन के रूप का है, के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, आगे दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है सत्रह बटे आठ। तो ध्यान से समझिएगा, अब आठ का गुणनखंड क्या निकालेंगे। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में आठ का अभाज्य गुणनखंड, तो आठ का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, तो आठ का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो घाते कितना हो गया, एक दो तीन, और पाँच नहीं आया है, तो पाँच घाते क्या कर देंगे, जीरो, क्योंकि पाँच घाते जीरो का मान एक हो जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि आठ का अभाज्य गुणनखंड, आठ का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो घाते यम गुणे पाँच घाते यन के रूप का है, के रूप का है, अतः अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप देख सकते हैं कि दो घाते यम यानी दो घाते तीन, और पांच घाते यन यानी पांच घाते जीरो के रूप का है, तथा इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आइए तीसरे पोर्शन को देखते हैं, 455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो निकालिए, तो पाँच से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच नौ पैंतालीस, पाँच इक्के पाँच। ठीक, अब आप देखिए इनको डिवाइड करेंगे, तो इनको डिवाइड करेंगे सात से, तो सात इक्के सात, सात सात त्रिक इक्कीस तेरह, फिर ये तेरह इक्के तेरह। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि पाँच के सिवा सात और तेरह आ गए, तो इसका जो 455 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो दो घाते यम और पाँच घाते यन के सिवा सात और तेरह भी आ रहे हैं, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्यों, क्योंकि पाँच के सिवा सात और तेरह आए हैं, और हमने पढ़ा था जिसके अभाज्य गुणनखंड में पाँच आता है, या तो उसके सिवा दो आए या पाँच और दो दोनों आए, तो वो आपका क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। पर यहाँ क्या है, पाँच सात और तेरह आ रहे हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे सवाल में, यहाँ आपका इसको अलग कर लीजिएगा, लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड पाँच गुणे सात गुणे तेरह। ठीक, अतः अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो घाते यम इंटू पाँच घाते यन के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक, के रूप का
नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो इस प्रकार आपको सवाल कंप्लीट करना है, यानी जिसका हर दो घातीय यम और पांच घातीय यन के रूप का नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार आपका अशांत होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, फिर हम लोग इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चार नंबर है। चार नंबर कितना है भैया? पहले का चौथा नंबर 15/1600 है। क्या है? 15/1600। पांचवा नंबर कितना है भैया? 29/343। 29/343। फिर कौन है? वी आई है। वी आई कौन है? 23/2 × 3 और 5/2। ठीक, ये है। फिर वी डबल आई आपका अगला नंबर कौन सा है? ये है 129/2। फिर कौन है? 5/7। फिर कौन है? 7/5। ये है। ठीक, फिर आगे क्या है आपका? अगला क्या है? वी डबल आई है, वो क्या है आपका? 6/15 है। फिर कौन है? आई एक्स, वो क्या है? 35/50। फिर क्या है? एक्स कौन है? एक्स यक्स कौन है? 77/210। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इनमें से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या बताना है कि किसके दशमलव प्रसार शांत हैं? तो हमने आपको ट्रिक बता चुके हैं कि उसी के दशमलव प्रसार शांत होंगे जिसका जो हर होगा वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड। तो 1600 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1600 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 800, फिर 2 से डिवाइड करोगे 400, फिर 2 से डिवाइड करोगे 200, फिर 2 से डिवाइड करोगे 100, फिर 50, फिर क्या आ जाएगा 2 से 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 5 25, 5 1 5। तो आप देखिए ये क्या आ रहे हैं, लिख देंगे, हाँ लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घातीय 1 2 3 4 5 6 2 घाते 6 और 5 घाते 2 के रूप का है, के रूप का है, तो 2 घाते यम यहाँ लिखेंगे और 5 घाते यन के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक, शांत होगा। ठीक, देखिए इसमें 2 और 5 के सिवा कोई आया है? नहीं आया है। अब आइए 343 को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं भैया? 343 को। तो ध्यान से समझिए, अब 343 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये आपको पता है 343, ये 343 सात से कटने वाले हैं। देखिए 7 से कटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 से कटाएंगे तो 7 4 28 चार बार जाएगा, फिर उसके बाद 9 बार जाएगा, 7 9 63, फिर 7 से 7 49, फिर 7 से कटा दिए 1। तो आप देखिए इसमें न तो 2 आया है न तो 5 आया है, अतः लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अतः चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 घातीय m × 5 घातीय n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ठीक,
अब उसके बाद तीसरा देखिए, ये तो बहुत आसान है आपका। अगला क्या है देखिए, यहाँ दो घाते तीन और पाँच घाते दो पहले से दिया है, तो इसको तो लिख देंगे। चूँकि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? दो घाते यम और पाँच घाते यन, दो घाते यम गुणे पाँच घाते यन के रूप का है, के रूप का है, अत रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ये बातें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे ये देखिए, यहाँ दो आया है, पाँच आया है, सात आया है, तो ये जो हर है वो आपका क्या है? जो हर है वो दो घाते यम और पाँच घाते यन के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, इसी प्रकार हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ छः है, तो यहाँ पंद्रह का अभाज्य गुणनखंड, पंद्रह का अभाज्य गुणनखंड, तो पंद्रह का अभाज्य गुणनखंड पाँच गुणे तीन आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या कहा था, केवल दो या पाँच आने चाहिए, तो तीन आया है, अतः इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये दो घाते यम और पाँच घाते यन के रूप का नहीं है। अब आगे देखते हैं, पचास का अभाज्य गुणनखंड, पचास का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा पचास का अभाज्य गुणनखंड? पाँच दो गुणे पाँच गुणे पाँच, तो दो घाते एक और पाँच घाते दो के रूप का, तो अतः इसका अभाज्य पाँच घाते किस रूप का? पाँच घाते दो, तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो लिख देंगे इस दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये हो गए। फिर आपका लास्ट तीसरा, तो इसका क्या करेंगे? इसका जब आप देखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। क्यों? क्योंकि 210 को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे देखिए एक बार आप निकाल सकते हो 210 को, तो निकाल लीजिएगा। दो से कटाएंगे, दो इक्के दो, दो पंचे दस, फिर दो से तो कटने वाला नहीं, अब किससे कटाएंगे? पाँच से, तो पाँच दूनी दस, पाँच इक्के पाँच, फिर तीन से कट जाता क्या? कटाइए, तीन त्रिक्का नौ, तीन पच्चे पंद्रह, फिर पाँच से पाँच सत्य पैंतीस, सात इक्के सात। तो देखिए इसमें दो और पाँच तो आया पर तीन और सात भी आ गया, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ये आपका इस प्रकार से पहला सवाल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी जो इससे पिछले वाले प्रश्न में, प्रश्न एक में आपने हल करके आए, तो जिनके जिनके दशमलव प्रसार आपने शांत किया है, यानी जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनको आपको लिखना है, उनके दशमलव प्रसारों को लिखिए, यानी दशमलव प्रसार को लिखेंगे। तो आइए उनके दशमलव प्रसार को लिखते हैं। तो आप पहला ध्यान दिए होंगे, तो पहला सवाल क्या था? पहले दूसरे का पहला नंबर, अब ध्यान लिखेंगे दूसरे का पहला नंबर, दूसरे का पहला क्या था? 13/31/25, 13/ कितना था? 31/25। तो ध्यान से समझिएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या था? शांत था। आप ध्यान दीजिएगा, आप लगाते समय अगर देखेंगे तो पिछले सवाल में भी आपने देखा था कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो इसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते कैसे हैं इसका दशमलव प्रसार? तो भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 3125, 3125 में 13 से भाग देंगे। तो डिवाइड जाने वाला नहीं है, डिवाइड आपका नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे। अब भी नहीं जाएगा तो एक जीरो और लगाएंगे, एक जीरो और उतार लेंगे। अब भी नहीं जा रहा है तो एक जीरो और लगाए, एक जीरो और उतार ले। अब तो ये जाएगा ना, ये 13,000 हो गए, ये 3,000, तो
कितनी बार लेके चलते हैं? चार बार लेके चलते हैं। कितनी बार लेके चलते हैं? चार बार। आइए, चार पंचे बीस, चार दूनी आठ, दो दस, फिर चार इक्के चार, चार इक्के कितने हो गए? चार इक्के चार, यहाँ चार लिख लेते हैं। चार त्याई बारह, बारह एक तेरह, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कितनी बार लेके जाएंगे? तीन बार। तो तीन बार लेके चलते हैं, तीन पच्चे पंद्रह, तीन दूनी छः एक सात, फिर तीन इक्के तीन, फिर तीन त्रिक्का नौ। ठीक, ये हो गए, ये माइनस कर देंगे। दस में से पाँच घटाएंगे पाँच, यहाँ नौ में से सात घटाएंगे दो, नौ में से तीन घटाएंगे छः, यहाँ कितना बचा? बारह। बारह में से नौ घटाएंगे कितना जाएगा? बारह में से नौ घटाएंगे तीन आ गए, ये आ गए। अब आप देखिए, एक बार लेके जा सकते हैं। कितनी बार लेके जाएंगे? एक बार। तो एक बार लेके जाएंगे तो इकतीस सौ यहाँ कितना आ जाएगा? पच्चीस आ जाएगा। अब आप घटाइए, पाँच में से पाँच घटाए जीरो, दो में से दो घटाए जीरो, छः में से एक घटा दिए पाँच, ये कैंसिल। अब नहीं जा सकता तो हम लोग कितनी बार ले, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार लेके जाएंगे? आइए देखते हैं। चार बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तीन बार लेके जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, दो बार लेके जाते हैं। कितनी बार लेके जाएंगे? दो बार। तो शायद दो बार भी आपका ज़्यादा होगा, तो फिर से एक बार लेके जाएंगे। एक बार लेके जाओगे तो कितनी बार जाएगा दिखेगा? एक बार लेके जाएंगे तो इकतीस सौ पच्चीस फिर से आएगा। तो दस में से घटाए पाँच आया, फिर दस यहाँ नौ बचा, नौ में से दो घटाए सात, नौ में से एक घटाए आठ, और यहाँ चार में से तीन घटा दिए एक आ गए। ठीक, अब आगे क्या करते हैं? फिर से जीरो ले लेते हैं। अब आप कितनी बार लेके जाएंगे? चार बार लेके जा रहे थे तो पाँच बार, छः बार लेके चलते हैं। कितनी बार लेके चलते हैं? छः बार। तो छः पंचे तीस, छः दूनी बारह, बारह तीन पंद्रह, छः इक्के छः एक सात, छः त्रिक अठारह। ये देखिए, तो आपने पढ़ा था कि जिनके दशमलव प्रसार पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार जो एक निश्चित मान के बाद समाप्त हो जाता है या जिनका शेषफल कुछ नहीं बचता, वो दशमलव प्रसार क्या कहलाते हैं? शांत कहलाते हैं। तो क्या लिखना था? तेरह बटे इकतीस पच्चीस, तेरह बटे इकतीस पच्चीस का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार कितना है? बराबर है जीरो दशमलव जीरो जीरो इकतीस एक छः। तो कुछ लोग पूछते हैं, सर जी जीरो आगे कहाँ आ जाता है? तो जीरो आप आगे लगा सकते हो दशमलव के पहले, तो आपका ये दशमलव प्रसार आ गया। तो बातें कुछ समझ में आई डी स्टूडेंट? आपको केवल भाग देना है। आइए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। दूसरा सवाल कौन सा लिखेंगे? अब देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत था। तो दूसरे का भी, सत्रह बटे आठ का भी दशमलव प्रसार क्या था? शांत ही था। तो दूसरा क्या है? सत्रह बटे आठ, सत्रह बटे आठ। तो क्या लिखेंगे? सत्रह से हम लोग आठ को डिवाइड कर देंगे, तो आठ से सत्रह में भाग देंगे। तो चलिए, आठ दूनी सोलह, घटा देंगे तो एक आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे जीरो, आठ इक्के आठ, दस में से आठ घटाए दो, फिर जीरो, आठ दूनी सोलह, घटा दिए कितना आया? चार, फिर जीरो, आठ पंचे चालीस। कट गए ना पूर्ण रूप से? तो पूर्ण रूप से कट गए, तो लिख देंगे सत्रह बटे आठ का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार, सत्रह बटे आठ का दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा? दो दशमलव एक दो पाँच, दो दशमलव एक दो पाँच। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत है? चौंसठ बटे चार सौ पचपन, जो कि आपने देखा था कि इसका क्या होता है। तो आइए देखेंगे, आप लोग ज़रा सा पलट के देखिएगा कि इससे पिछले वाले सवाल में आपने देखा होगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या नहीं है, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो तीसरा आपका शांत नहीं है, तीसरा आपका शांत नहीं है, बल्कि चौथा आपका शांत है। कौन है? चौथा शांत है। तो चौथा लिखेंगे पंद्रह बटे सोलह सौ, आपको उन्हीं को लिखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो पंद्रह बटे सोलह सौ, तो अब क्या करेंगे? सोलह सौ से हम लोग डिवाइड करेंगे, किस में? पंद्रह से। तो डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो, अब भी नहीं जाएगा तो एक जीरो लगाए, एक जीरो बढ़ा लिए। अब क्या करते हैं? एक मिनट, ये भाग करना है, थोड़ा सा लंबा करते हैं। तो पॉइंट लगाए जीरो, अब भी नहीं जाएगा,
एक जीरो बढ़ाए अब भी नहीं जा रहा क्योंकि कम है ये, एक जीरो और बढ़ाए, एक जीरो और बढ़ गया, अब आसानी से जाएगा। तो अब कितनी बार लेके जाएंगे, तो आप देखिएगा ये कितना है, लगभग आप लेके जा सकते हैं, कितनी बार ले जा सकते हैं, चलिए देखिए कितनी बार लेके जाएंगे इसे, तो कितना है 15,000 है, कितना है 15,000, तो कितनी बार 16 छक्के 96, 16 7 112, लगभग ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 बार लेके जाइए, 5 बार लेके जाएंगे तो 5 जीरो में 0, 5 जीरो में 0, 5 छक्के 30 और 5 एक्के 5 और 5 3 8, अभी 5 बार से ज़्यादा जा सकता है, 5 के बाद आप डायरेक्ट ले जाइए, चलिए ऐसा काम कीजिए ना, अब आप ऐसे लीजिए, एक बार लेके जाइए, पहले एक बार लेके जाएंगे, जब आप एक बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो एक मिनट गाइस, चलिए तो डियर स्टूडेंट 9 बार लेके चलते, कितनी बार 9 बार, तो 9 जीरो में 0, 9 जीरो में 0, 9 छक्के 54, 9 एक्के 9, 9 5 14, 9 5 कितने आ गए, 9 5 14, अब घटाएंगे 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, और यहाँ बचा कितना 4 में से 4 कैंसिल, ये आ गए, अब कितनी बार लेके जाएंगे, एक जीरो उतारेंगे, अब कितनी बार लेके जाएंगे, चलिए अब कितनी बार लेके जाएंगे भैया, 16 चौके 6400, तो 4 बार ले जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए 4 बार लेके जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेके जाएंगे तो 0 0, 3 छक्के 18, 3 एक्के 3, 3 एक 4, अब क्या करेंगे, अब 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 8 घटाया 2, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 घटा दिए 1, ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब तो भाग जाने वाला नहीं, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, अब 7 बार लेके जाइए, कितनी बार 7 बार, 7 जीरो में 0, 0, फिर ना एक मिनट, ठीक चलिए चलिए ठीक, 7 बार लेके जाएंगे तो 0 0, फिर 7 छंगे 42 का ही 2, फिर 7 इक्के 7 7 4 11, कितना आ गया 11, अब क्या करेंगे घटा देंगे, तो 0 में से 0 घटाए 0 0, फिर 10 में से 2 घटा दिए 8, यहाँ कितना बचा 1 1 1 कट गए, फिर आप क्या उतार लिए 0, तो 16 5 80, तो अब देखिए 5 बार लेके जाएंगे 0 0 0 और 5 1 के 5 3 8, तो माइनस कर दिए ये कट गए, तो दशमलव प्रसार क्या आ गए प्यारे बच्चों, 15/1600 का दशमलव प्रसार, 15/1600 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.009375, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, तो लंबे थोड़े से भाग लंबे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लोगों के लिए बना है डियर स्टूडेंट, आप लोग लगा सकते हो इसे, तो आइए हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, तो आगे की तरफ देखेंगे तो अगला वाला जो 29/343 है ना, वो उसका दशमलव प्रसार आपका शांत नहीं है, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, बल्कि जो अगला वाला है वो ज़रूर है, तो आइए उसको हम लोग चेक करते हैं, तो क्या है 23/, तो इसको मूव करें, इसको हम लोग मूव करते हैं, चलिए तो वो कौन सा नंबर है, वी आई यानी आपका 6वां नंबर, 23/ कितना है, 23/ है 2 घाते 2 घाते 3 और 5 घाते 2, 5 घाते 2, इसे आप क्या लिख सकते हो 23/2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 का गुणा 2 बार करेंगे 25, तो 25 8 कितना आ गया 200, तो 23/ कितना आ गया 200, तो अब हम लोग यहाँ 200 से 23 में भाग देंगे, तो आइए 200 भागे क्या करते हैं 23, तो जाएगा था ही नहीं, दशमलव लगाओगे 0 लगा लोगे, कितनी बार लेके जाओगे 1 बार, तो 1 बार लेके जाओगे तो 0 में से 0 माइनस, 3 में से 0 घटाए 3, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 उतार लिए, फिर कितनी बार लेके जाओगे 1 बार, तो अब ये 0 में से 0, 0 में से 0, 3 में से 2 घटाए 1, अब क्या करेंगे फिर से 1 जीरो उतारेंगे, अब 5 बार लेके जाएंगे तो 200 5 1000 होता है, तो ये 1000 आ जाएंगे, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार हमको मिल जाएगा, किसका 23/, किसका 23/ 2 घाते 3
और 5 घाते 2 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार कितना है 0.0115 ये है 0.0115 है। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला दशमलव प्रसार है ही, जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है, अगले का भी नहीं है। अब हम लोग आई एक्स डायरेक्ट आएंगे, क्या आएंगे आई एक्स। आई एक्स क्या है आपका, आई एक्स है आपका 35/50, कितना है 35/50। तो हम लोग 50 से किस में भाग देंगे, 35 से। तो 50 से जब 35 में भाग देंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 35 कम है, जब 35 कम है तो पॉइंट लगा लेंगे 0 और 7 बार लेके जाएंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका तो दशमलव प्रसार आसानी से मिल गया, 35/50 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.7। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। तो वो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सवालें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए इसको मूव कर लेते हैं और आपकी इस प्रश्नावली का, इस पूरे अध्याय का लास्ट सवाल हल कर लेते हैं। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली एक ही अध्याय एक पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 2 को जानेंगे और प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आपका जो तीसरा सवाल है वो क्या है वो समझिएगा। कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है, क्या किया गया दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कौन सी नहीं है। तो तीसरे का पहला नंबर क्या है 43.12, फिर कितना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 0.120, फिर क्या है फिर 1200, फिर 1200, फिर ऐसे 1240 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। फिर आगे तीसरा पार्ट कौन है, तीसरा पार्ट है 43.12345678 9 और इस पर बार का मतलब ये संख्याएं फिर से रिपीट हो जाएंगी, फिर से 1234567 8 9 आ जाएगा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से परिमेय संख्या है और कौन से नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि वही परिमेय संख्याएं होंगी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार अतः यह एक परिमेय संख्या है, बस यही करना है। फिर दूसरे में क्या है, देखिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है अशांत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। आइए अब तीसरा देखते हैं। देखिए इसका दशमलव प्रसार आपका शांत है, क्यों है, क्योंकि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पुनः रिपीट होंगी। तो लिखेंगे चूंकि इसका अभाज्य इसके हर का, लिखेंगे चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का होगा, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः
यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली 1.4 है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको प्रश्नावली 1.4 में बताए गए किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन न समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करते रहेंगे। तो आई होप वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।